सवाल है, और जब हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास टाइम बचेगा तो कुछ सवाल हम और प्रैक्टिस कर लेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कंपनीज अकाउंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए हुए, 3 और 4। तो तुम लोग ये भी ट्राई कर सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता सवाल करते जाओ। अच्छा जी, अब इसी के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक सेपरेट स्टेटमेंट बनता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको एक अदद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनी बनाई दी जाएगी, जो तुम आजकल बनाना सीख रहे हो, और उसको देखते हुए तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग अपने पास उसको देखते हुए ये बनाओगे कि कैश फ्लो कंपनी का किस तरह से आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, दो चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी और एक होती है लिक्विडिटी। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक बंदा है, उसके पास उस वो बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है लेकिन उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। सो लिक्विडिटी जो होती है वो आपको ये बताती है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, और ये कैश फ्लो पोजीशन कैसे असिस होती है कि आपके आउटफ्लोस कितने हैं, आपको देना कितना है और आपको लेना कितना है। अगर आपके इनफ्लोस ज्यादा हैं और आपके आउटफ्लोस कम हैं, तो इसका मतलब है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। कहते हैं कि कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी में से अगर आपको किसी एक चीज को चूज करना है तो आप लिक्विडिटी को चूज करें, प्रेफर किसको करें, प्रेफर करें लिक्विडिटी को। कोई बताएगा क्यों, अगर दोनों में से एक चीज ऑप्ट करनी हो? क्या चीज ज्यादा प्रेफरेबल है? तुम्हारी चॉइस क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी? वैसे तो दोनों ही होनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना हो तो क्या होना चाहिए? अगर नहीं चूज कर पा रहे तो ये स्टेटमेंट देखो, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट इज प्रॉफिट इज लाइक फूड एंड कैश इज लाइक ऑक्सीजन बिजनेस के लिए। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कहते हैं कि आप ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, थोड़ी देर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन आप खाने के बगैर 2 दिन 3 दिन तो निकाल सकते हैं अगर आपको खाना पीना ना मिले। रोजा भी रखता है बंदा 16 घंटे का, लेकिन ऑक्सीजन अगर 10-15 मिनट भी ना मिले ना तो बंदा मर जाता है। सो हेंस कंक्लूडेड दैट कि लिक्विडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये होता क्यों है कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है प्रॉफिटेबिलिटी खराब है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है लिक्विडिटी खराब है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे रीजन जो है ना, वो रीजन है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सेल्स हो जाती है रिकॉर्ड कर लेते हैं, भाई पैसा तो आया नहीं, पैसा आएगा तो कैश आएगा ना हाथ में, पता लगा बाद में वो बैड डेट्स हो गए। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में और कैश फ्लो में मसला आता है। मसलन मैं आपको 2 कंपनीज देता हूं, ये देखें, कंपेयर करें, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए के पास 1 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ है
और उसकी कैश फ्लो पोजीशन ये कि -20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। कंपनी 50,000 के लॉस पे जा रही है लेकिन उसके पास 20,000 का कैश फ्लो पड़ा हो। ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है और इसमें कोई तीसरी सिचुएशन भी बन सकती है कि एक कंपनी ऐसी है कि उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी भी है और उसके पास 2,00,000 का कैश फ्लो रखा हो। और एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें एक कंपनी के पास माइनस में लॉस चल रहा है और उसकी कैश फ्लो भी माइनस के अंदर चल रहा है। ये सब कुछ पॉसिबल है बिजनेस के अंदर। आइडियल सिचुएशन क्या है? व्हाट इज एन आइडियल सिचुएशन? और अगर आइडियल ना हो तो मेरी प्रेफर्ड सिचुएशन क्या होगी? कि कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए चाहे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव क्यों ना हो। बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कैश फ्लोज। अ कंपनी कैन सर्वाइव इन शॉर्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ लॉसेस बट इट कैन नॉट सर्वाइव इफ देर आर इनसफिशियंट कैश फ्लोज। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं? जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो आपको आपके कैश फ्लो के बारे में पूरा एक डिटेल्ड ओवरव्यू MRI करके देता है आपको। जैसे बॉडी का MRI होता है ना, एक एक चीज पता लग जाती है डॉक्टर को कहाँ मसला है, ब्लड कल्चर टाइप की डायग्नोसिस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को लेता है और आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताता है कि कंपनी की ओवरऑल कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, अच्छी है या बुरी। तो हम इसके अंदर तीन एक्टिविटीज कंसिडर करते हैं। पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से कैश फ्लो की क्या पोजीशन है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंस एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम अपने पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन तीन हेडिंग्स के अंदर क्लासिफाई करके या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ऑपरेशन में कितना पैसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो आया, बोथ इनफ्लो एंड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दो चीजें बताता है, इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। इससे फायदा ये होगा कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो कैश फ्लो चाहिए, उसकी आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपका पैसा कहां पर नेगेटिव हो रहा है, कहां पर पॉजिटिव हो रहा है, कहां से पैसा रेज करना है और कहां कहां काम करना है। ऑपरेशन से कंपनी पैसा जनरेट करती है, इन्वेस्टमेंट में कंपनी पैसा लगाती है और फाइनेंसिंग शेयर्स लोन वगैरह वहां से कंपनी पैसा रेज करती है। इसका मतलब है कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी को प्लांट खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस इन्वेस्टमेंट के दो सोर्स हैं। या तो आप अपने ऑपरेशन से पैसा कमाएं, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, यहां से पैसा लगाएं ऑपरेशन से निकाल कर, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके ऑपरेशन से पैसा नहीं निकल रहा तो फिर आप फाइनेंसिंग ले लें, शेयर्स या लोन। तो ये तरीके हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए, या तो ऑपरेशन से पैसा रेस करते हैं या फिर फाइनेंसिंग से पैसा लेते हैं। कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है कंपनी के लिए? प्रेफर्ड सिचुएशन क्या है? अपना पैसा, रिटेन अर्निंग, ये ज्यादा प्रेफर्ड है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि आपके ऑपरेशन से कितना इनफ्लो आउटफ्लो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से कितना इनफ्लो आउटफ्लो आ रहा है और फाइनेंसिंग से कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो आ रहा है, ताकि लिक्विडिटी का पोस्टमार्टम किया जा सके। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है,
उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है IAS 7। अलग से नहीं पढ़ना तुम लोगों को, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं करवाऊंगा उसी के अंदर ये कवर हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं IAS 7 के अंदर उसकी पूरी डिटेल्स दी। देर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करती है, और एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड। आपसे एग्जाम में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड पे सवाल आएगा, लेकिन बाज दफा वो डायरेक्ट मेथड पे भी सवाल पूछ लेता, दोनों सिलेबस के अंदर मौजूद है। लेकिन आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस होना चाहिए। दोनों मेथड में तीनों एक्टिविटीज कॉमन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दोनों में कॉमन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये फॉर्मेट का फर्क है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, तो ये दोनों के अंदर ये तीनों एक्टिविटीज शो होंगी, और डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, ये दोनों एक्टिविटीज बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फिर फर्क क्या हुआ? द ओनली डिफरेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है, आंसर में फर्क नहीं आएगा। आंसर दोनों मेथड से सेम आता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। अब इसका एक लंबा फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट मेथड का अपना फॉर्मेट है, डायरेक्ट मेथड का अपना फॉर्मेट है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट दोनों का सेम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट स्लाइटली डिफरेंट है। अब मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक अदद जो है वो फॉर्मेट दिखाता हूं। सबसे पहले एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इट लुक्स लाइक्स, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हमें वो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा के बनाना है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो देखकर हमें वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। सो हाउ इट लुक्स लाइक, ये देखें, मैं आपको एक आंसर शेयर कर रहा हूं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना बनाया है, ये सवाल हम सॉल्व करेंगे आगे जाके। ये एक बना बनाया इनकम स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट मेथड से। पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा, तो इनडायरेक्ट मेथड ही दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ये देखेंगे, ये आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट नजर आ रहा है, ये एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। फॉर्मेट है, अब इस फॉर्मेट में तीन हेडिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। एक हेडिंग है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एक हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये इसी ऑर्डर के अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर बनता है। पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालते हैं, फिर सबको प्लस माइनस करके फाइनली ये बताते हैं कि एंडिंग बैलेंस कैश का हमारे पास पॉजिटिव रखा हुआ है या नेगेटिव रखा हुआ है। और ये वही बैलेंस होता है जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड, अब मैं इसको बनाऊंगा, एक फॉर्मेट में बनाता हूं, और उस फॉर्मेट के अंदर आपको बताता हूं कि क्या चीज प्लस होगी, क्या चीज माइनस होगी। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड बनाने के लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट कंपनी का मौजूद होना चाहिए, और उसकी बैलेंस शीट मौजूद होनी चाहिए, करंट ईयर की और पिछले साल की, दो साल की बैलेंस शीट मौजूद होनी चाहिए, वरना
हम इनकम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते। सो कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड, अब इस फॉर्मेट को मैं अपने अंदाजे से अपने तरीके से आपको सिखाता हूं कि इस फॉर्मेट में हमें क्या क्या लिखना है। सो सबसे पहले हम आ गए कैश फ्लो स्टेटमेंट, आजकल इसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से हम बना रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां से स्टार्ट लें। पहली हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्ट कहां से लेंगे, स्टार्ट लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये कहां से आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कहां से आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको मिलेगा इनकम स्टेटमेंट। फिर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आप कुछ चीजें प्लस माइनस करेंगे, सबके रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस हुआ हुआ होता है उसको उठाकर एड बैक कर देंगे। अमोर्टाइजेशन, सबके पीछे एक लॉजिक है ना कि क्यों एड बैक करते हैं क्यों डिडक्ट करते हैं, वो सब आएगी वन बाय वन, इसको भी उठा के एक सेकेंड माइनस लिख दिया। डेप्रिसिएशन एड बैक होगा, अमोर्टाइजेशन एड बैक हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया हुआ होगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस उठा के क्या कर देंगे, वो भी ऐड कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई भी होगी तो उस इंटरेस्ट इनकम को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स। क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि जो चीज माइनस हुई भी है उसको ऐड कर रहा हूं, जो चीज ऑलरेडी ऐड हुई भी है उसको माइनस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आया, तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि लॉस आता है तो पीएनएल में एक्सपेंस के तौर पे जाता है, तो माइनस हुआ होगा प्रॉफिट में से। तो अगर कोई लॉस ऑन डिस्पोजल आया तो क्या करेंगे, माइनस हुआ हुआ ना एड कर देंगे। और इसी तरह अगर कोई गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आया तो वो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट उठाकर हम वहां ऐड हुआ हुआ है या उठाकर माइनस कर देंगे। उसके बाद और भी बहुत कुछ आता है लेकिन अभी बेसिक लेवल के ऊपर बन रहा है तो फिलहाल ये इतना यहां पर ठीक है, सही है। ये आ जाता है हमारे पास, एक हेडिंग डालते हैं यहां पर और यहां पर इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये आता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती वैसे ना, वैसे एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हेडिंग डाल रहा हूं, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर तुम मेरा ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो ना पिछले सवाल का, तो ये देखें प्रॉफिट लिया, डेप्रिसिएशन, लॉस, इंटरेस्ट, सही है, कोई हेडिंग नहीं डलेगी। लेकिन मैंने इसको आइसोलेट करने के लिए हेडिंग डाल दी, आपकी मर्जी है आप ये हेडिंग डालें या नहीं डालें, ना डालें तो ज्यादा अच्छा। तो ये हमने प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका जो प्रॉफिट था वो प्लस माइनस के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्ट कहां से लिया था, प्रॉफिट से। अब हमारे हाथ में क्या है इस वक्त, कैश फ्लो। इन सब के आंसर तुम्हें मिलेंगे, क्यों ऐड हो रहा है क्यों लॉस माइनस कर रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, क्लियर होनी चाहिए लॉजिक। अच्छा, इसके बाद हम अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंज आएगा बिगिनिंग और एंड का वो इसके अंदर डालेंगे। तो उसका एक रूल लिखवाता हूं मैं भी थोड़ी देर में तुम लोगों को। देखें, अगर हमारे पास इंक्रीज इन स्टॉक हुआ तो इंक्रीज इन स्टॉक को हम यहां से माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास इंक्रीज इन रिसीवेबल हुआ तो उसका भी रूल सेम है, माइनस कर देंगे। तो डिक्रीज का क्या रूल होगा, डिक्रीज ऐड हो जाएगा।
इसी तरह अगर आपके पास इंक्रीज इन पेबल हुआ करंट लायबिलिटी, तो वो पेबल यहां पर एड हो जाएगा। ये रूल है एसेट का। इस रूल को मैं एक जगह लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो थोड़ा सा बल्कि यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, अगर आपका इंक्रीज इन स्टॉक होता है तो उसको हम माइनस दिखाएंगे, अगर आपका डिक्रीज इन स्टॉक होता है तो उसको हम प्लस दिखाएंगे, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल होगा तो माइनस दिखाएंगे, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल होगा तो प्लस दिखाएंगे, और अगर इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल हुआ तो प्लस दिखाएंगे, और डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल हुआ तो माइनस दिखाएंगे। छह चीजें हो गई ना। अब एक स्टूडेंट कहेगा यार ये तो बड़े मुश्किल काम हो गया, कैसे याद करूं, इसको याद कैसे करें? तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आप इंक्रीज इन स्टॉक को याद कर लें। आप ये याद रख लें कि इंक्रीज इन स्टॉक क्या होता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसकी लॉजिक भी मैं आगे बता दूंगा, आप ये याद कर लें और ये अप्लाई कर दें कि इंक्रीज इन स्टॉक का रूल रिसीवेबल्स पे भी सेम अप्लाई होता है और डिक्रीज इन स्टॉक ऑपोजिट होता है, ये याद कर लें, और पेबल जो होता है वो स्टॉक और रिसीवेबल का उल्टा होता है। तो अगर इंक्रीज इन स्टॉक माइनस होता है तो इंक्रीज इन पेबल उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। तो सिर्फ एक याद कर लें, तो बाकी छह की छह चीजें इसके अंदर अपडेट्स हो जाती हैं। तो जब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे बढ़ाएंगे तो ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा, उसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है अभी कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया। दूसरी हेडिंग आ गई, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये दूसरी हेडिंग बनाई है मैंने। इसके बाद अब ये पहली एक्टिविटी चल रही है, इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट हमने इस साल कितना पे किया, इंटरेस्ट पेड माइनस कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें से टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, उसके बाद इसमें से हम डिविडेंड पेड माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। इन तीनों को माइनस करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाता है जो मैंने साइड में लिख दिया, राइट साइड के ऊपर लिख दिया, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसको हम लिखते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम। तुम में से कौन है जिसका ये इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता है, 50 मरतबा तुम कनेक्ट होते हो, क्या मसला है, क्या मोबाइल से कनेक्ट हो गए वो भाई, इतनी मरतबा क्यों डिस्कनेक्ट होते। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जब तुम बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो गए अल्टीमेटली तो तुम्हें समझ में क्या आएगा। तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आता है जो एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सिंगल एक्टिविटी कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जस्ट पहली एक्टिविटी कंप्लीट हुई, पूरा प्रोसेस खत्म, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डन। कहां से शुरू हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, पीबीटी से स्टार्ट हुआ, कुछ चीजें प्लस माइनस की, उसके बाद इन्वेंट्री और रिसीवेबल पे आए, उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड माइनस किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। अब ऊपर ऑफिशियल आंसर पे आए, देखें एक सॉल्यूशन है किसी सवाल का और इसके अंदर ये तीनों पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करें, आपको नजर आ रहा होगा। देखें प्रॉफिट था 31,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड किया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस की, इंक्रीज इन रिसीवेबल माइनस किया, इंक्रीज इन पेबल प्लस किया,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 44,250 आ गया, इंटरेस्ट पेड 750 माइनस किया, इनकम टैक्स माइनस किया 9,500, डिविडेंड इसने यहां से माइनस नहीं किया, डिविडेंड में चॉइस होती है। तो इसके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, इसने लिखा नहीं यहाँ पे ना, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना पॉजिटिव 34,000, यानी कि इस कंपनी ने 34,000 का पॉजिटिव कैश इनफ्लो जनरेट किया अपने परचेजेस से और सेल से, अपने एसेट से और लायबिलिटीज को मैनेज करके। उसके बाद हम जाते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, इसने यहाँ तो बहुत सिंप्लीफाइड बनाई हुई है, मैं इसको कुछ और चीजें डालता हूँ। उसके बाद हम एक हेडिंग डालेंगे, तो मैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्लैक से लिख देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं, हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हेडिंग आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद। इसके अंदर हम लेते हैं परचेज ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस साल हमने कैश में कितने टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स परचेज किए उसको यहां पर माइनस दिखा देंगे। इसके अलावा परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इस साल हमने कितने इंटेंजिबल एसेट्स में पैसा लगाया वो माइनस में उठा के हमने दिखा दिया। उसके अलावा डिस्पोजल ऑफ एसेट, अगर आपने कोई एसेट बेचा तो वहां से आपके हाथ में कितना पैसा आया वो यहां पर हमने इनफ्लो दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो यहां पर लाके हम ऐड करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड मिनिमम साइड के ऊपर, ये हमारे पास एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है इन्वेस्टमेंट की। इससे आंसर हमने निकाला, आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, तो मैंने नेगेटिव एज्यूम कर लिया। सही है, कैश आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नॉर्मली आंसर माइनस में ही आता है नॉर्मली, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली आंसर इसका जो होता है वो माइनस में आता है। ये दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ये एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है लेकिन कैलकुलेशन में बड़ी खतरनाक है। आगे जाके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसकी एक एक एलिमेंट पे बात करेंगे, तो ये सबसे खतरनाक है, खास तौर पे ये वाला जो एलिमेंट है इस पे सवाल आता है कि ये बताएं कि इस साल कंपनी ने कितने नए एसेट्स खरीदे, कितना कैश पे किया, ये निकाल के दें, कैलकुलेट करके दें। सो अगर मैं अपने सवाल पे दोबारा जाऊं ऊपर, तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नजर आ रहा है कैश परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, हमने 40,000 के प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट खरीदे, हमने 8,000 के प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बेच दिए, तो नेट हमारे पास आउटफ्लो आया 32,000 का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 34,000 का इनफ्लो आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 32,000 का आउटफ्लो, यानी कि 34,000 में से 32,000 तो यहीं पर ही अटक गए, निकल गए। ठीक है, तो अब हम अगली एक्टिविटी पे जाएंगे, नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी हमारी इसके बाद कौन सी होगी, तीसरी एक्टिविटी और फाइनल एक्टिविटी हमारी कौन सी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी जहां जहां से फंड रेस कर रही है वहां से कंपनी ने अगर इस साल कोई शेयर्स इशू किए, राइट शेयर्स हो गए, नॉर्मल शेयर्स हो गए, इस साल कंपनी ने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए, कोई डेट इशू किया, वो सारी चीजें उठा के यहाँ पर आएंगी। तो मिनिमम साइड के ऊपर कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है कैश में, इशुएंस ऑफ शेयर्स इन कैश, तो वो इनफ्लो दिखाते हैं हम। सही है, इसके अलावा कंपनी ने लोन लिया, इशुएंस ऑफ लोन कैश इनफ्लो, और अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ था और लोन वापस कर दिया तो वो आ गया आउटफ्लो, और ये आ गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको हम नाम दे देते हैं
कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीसरी एक्टिविटी कंप्लीट। तुम लोग ये देखो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे तवील है, सबसे लंबी है, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो दो तीन तीन एडजस्टमेंट्स आ रही है तुम लोगों के लेवल के ऊपर। तो ये भी हमने हाईलाइट करके अलग कर दिया, ये तीसरी एक्टिविटी हमारी हो गई कंप्लीट। अब देखें हाउ इट लुक्स लाइक, पूरा फॉर्मेट दोबारा देखते हैं। पूरा फॉर्मेट याद करना तुम लोगों को, ये देखें कहां से शुरू हुआ, इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहां से शुरू हुआ, प्रॉफिट से शुरू हुआ, प्रॉफिट से शुरू हुआ, कहां लेकर आए इसको, प्रॉफिट से शुरू हुआ, एडजस्टमेंट की, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल आया, स्टॉक की एडजस्टमेंट डाली, रिसीवेबल पेएबल, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया, फिर कुछ माइनस किया, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाई, और उसके बाद तीन एक्टिविटीज के आंसर आ गए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब मैं अपने एक्चुअल सवाल पे चलता हूँ। ये देखें यहाँ पर आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसने बैंक का लोन वापस किया 10,000 का, शेयर्स इशू किए 10,000 के, डिविडेंड पेड 14,000 का। अच्छा, इसने डिविडेंड पेड कहाँ दिखाया है, इसने डिविडेंड पेड दिखाया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि डिविडेंड को मैं आपको च्वाइस है, डिविडेंड पेड में आपके पास च्वाइस है कि आप इसे ऑपरेशन में भी दिखा सकते हैं और आप चाहें तो उसे फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं। ये आईएएस के अंदर च्वाइस मौजूद है, तो कभी आपको ऑपरेशन में से माइनस करते दिखाएगा, कभी फाइनेंसिंग में से माइनस करके दे। इसी तरह इंटरेस्ट के बारे में भी ऑप्शन है, लेकिन इंटरेस्ट नॉर्मली हम ऊपर से माइनस कर देते। अब आप देखें आपके पास तीन एक्टिविटीज का आंसर उसने एक जगह पे एक्यूमुलेट किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 34, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -32, फाइनेंसिंग एक्टिविटी +14। तो नेट ऑफ किया इसको 34,000, अच्छा माइनस आ रहा है, फाइनेंसिंग में भी माइनस आ रहा है, 34,000 पॉजिटिव, 32 and 14, 46,000 नेगेटिव। तो हमारा जो नेट इस साल का कैश आया वो नेगेटिव आया कितना, 12,000। ये इस साल का हमारा, इस साल हमने कैश जनरेट किया लेकिन वो नेगेटिव हो गया, फाइनल इस साल का नेगेटिव है। तो हम इसमें भी ले लेते हैं इसी तरीके से अपने फॉर्मेट में अंदर, ये तीनों को प्लस माइनस किया, तीनों को प्लस माइनस करने के बाद या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आगे जाके बताता हूं क्या होता है कि इस साल आपने पॉजिटिव कैश जनरेट किया फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के कॉम्बिनेशन से। ये इस साल का है, साल के बिगिनिंग में जो आपके पास कैश रखा हुआ है वो इसमें प्लस या माइनस कर देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ब्रॉड फॉरवर्ड एट स्टार्ट ओपनिंग। ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पॉजिटिव है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, एंडिंग बैलेंस, इस साल का एंडिंग बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में मौजूद होता है, ये बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता है हमारे पास कि आपका इस साल का एंडिंग बैलेंस है। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड का फाइनल आंसर होता है। इतना लंबा चौड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, तवील कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब 15 नंबर का जो सवाल आता ना हमारे पास, वो कंपनी अकाउंट्स या रेशियोज या कंसोलिडेशन में आता है। नॉर्मली एग्जामिनर कैश फ्लो का जो सवाल है उसे एमसीक्यूज में पूछता है नॉर्मली, लेकिन एग्जामिनर उसका मीटर घूम गया, पता लगा उसने 15 नंबर का कैश फ्लो का सवाल बना के दे दिया, यू नेवर नो। सो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैश फ्लो का भी प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए, कम से कम तीन सवाल, कम से कम तीन लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ ताकि एग्जाम के अंदर आपको पूरा स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, नहीं बनाया तो क्या फायदा। अब वो ऊपर वाले सवाल में रेफर करें, पूरा सवाल जो फाइनल खत्म हुआ, 12,000 इस साल हमने जनरेट किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस 10,000 पॉजिटिव रखा हुआ था, 12,000 नेगेटिव आया, तो फाइनल जो नेगेटिव बैलेंस बचा एंडिंग में हमारे पास वो ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है -2,000।
अब सवाल ये पैदा हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के जब मैं स्टेक होल्डर को दूंगा तो वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या सीखा उसने, तुमने क्या सीखा? चलो वन बाय वन बताओ कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, क्या सीखा तुम लोगों ने इस स्टेटमेंट से, क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लगता है कि कंपनी कहां से पैसा कमा रही है, कहां पे लगा रही है, सही है? नेगेटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो एक इन्वेस्टर जब डिसीजन लेने जाएगा तो वो डिसीजन लेते वक्त वो बड़ा क्लियर होना चाहिए उसको कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं तो क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है? ऐसा नहीं ऑक्सीजन ही ना है, वेंटिलेटर खत्म, बंदा एक्सपायर, तो क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है? तो कंपनी का जो सर्वाइवल है उस सर्वाइवल लार्जली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, किस चीज के ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। यह है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल ही नहीं होगा तो क्या ऐसी कंपनी में कोई पैसा लगाएगा, शेयर्स खरीदेगा कोई ऐसी कंपनी में जिसका सर्वाइवल ही नहीं है, जो लॉसेस में जा रही है, जिसके पास नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, लायबिलिटी पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कंपनी तो आगे जाके क्या हो जाएगी? ऐसी कंपनी आगे जाके क्या होती है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब है उसका दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, शेयर होल्डर्स को टोटल लॉस। अब पूछे जी कोई सवाल आज के लेक्चर के हवाले से, कोई चीज माइंड में है तो बोले। अगली क्लास का हमारा एजेंडा होगा।